और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। नमस्कार, मैं हूँ शमशीर आलम और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। होली में परोसी जानी थी अवैध शराब, मोरवा पुलिस ने पकड़ा। 15,000 की शराब जब्त, आरोपी गिरफ्त में। होली आते ही कई लोगों के बीच शराब की मांग काफ़ी बढ़ जाती है। इसे देखते हुए अवैध शराब कारोबारी भी अपने अवैध कारोबार में सक्रिय हो जाते हैं। परंतु इस बार नवायुक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस बल को एक्टिव मोड पर रखा गया है, जिसके तहत अवैध कारोबारियों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बीती रात भी मोरवा पुलिस ने अवैध शराब कारोबारी के पास से भारी मात्रा में शराब जब्त कर कार्रवाई की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोरवा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि अम्बेडकर नगर का एक व्यक्ति जद्दूदौड़ के पास अवैध शराब लेकर बिक्री हेतु ले जाने के लिए खड़ा है। इस जानकारी से टीम द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप शिंदे के निर्देश एवं SDOP नीरज नामदेव के मार्गदर्शन में मोरवा निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह ने टीम गठित कर जद्दूदौड़ रोड में अवैध शराब पी रोहित यादव उर्फ मुड्डू पिता कार्तिक यादव उम्र 20 वर्ष निवासी अम्बेडकर नगर सिंगरौली को घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपी के पास से 2 जर्किनों में कुल 60 लीटर हाथ भट्टी की बनी महुआ की शराब कीमती 15,000 रुपये की बरामद हुई है। आरोपी के विरुद्ध धारा 34/2 आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। गौरतलब होगी, पुलिस की मुस्तैदी के कारण मोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोरबी चौकी क्षेत्र में भी बीते दिनों अवैध शराब का खजीना पकड़ा गया था। जानकारी के अनुसार त्यौहार में खलल से बचने के लिए पुलिस अभी भी अवैध शराब कारोबारियों पर नजर रखी हुई है। उक्त कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक साहब लाल सिंह, प्रधान आरक्षक राजवर्धन सिंह, अजीत सिंह, आरक्षक राजन बागरी, नरेंद्र यादव एवं सुबोध सिंह तोमर की सराहनीय भूमिका रही है।